अब होता क्या है कि जो पेरेंट्स हैं उनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो डिसफंक्शनल होता है ठीक है आ, या जो पेरेंट है उनका रिलेशनशिप बच्चे के साथ जो है वो डिसफंक्शनल होता है अब जिस वक्त डिसफंक्शनलिटी की हम बात करें उसका क्या मतलब है उसका मतलब ये है कि या तो पेरेंट्स आपस में आर्गुमेंटेटिव हैं या वो बच्चे के साथ आर्गुमेंटेटिव हैं ठीक है थीके? या वो बहुत ज़्यादा पैसिव हैं यानी डिसंगेज हैं तो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिसफंक्शनालिटी इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो पुअर होती हैं तो इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए फैमिली थेरेपिस्ट जो है जो सबसे पहले काम वो करता है वो करता है कि जो पेरेंट चाइल्ड की कम्युनिकेशन का पैटर्न है उससे इम्प्रूव करने की अब इसको इम्प्रूव करने की जब हम बात करते हैं तो हम बेसिकली किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि जो बच्चा है Uh, उसका अपने पेरेंट के साथ कम्युनिकेट करने का स्टाइल क्या है अगर पेरेंट बच्चे पे जल करेगा तो उससे क्या होगा उससे ये होगा कि बच्चा जो है वो दोबारा पेरेंट्स से बात करने से डरेगा ठीक है तो इस uh, को ये जो पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन है इसको बेटर करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स से ये कहा जाए कि उन्होंने अपने जब बच्चे से बात करनी है तो उनको एक प्रॉपर वे में डायलॉग करना चाहिए ठीक है ताकि जो चीज़ें हैं वो दोनों एच के ऊपर बेटर हो सकें देन वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग अब प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या मतलब है कि अगर पेरेंट को ये फील होता है कि जो उनका बच्चा है वो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहा तो रादर के आप बच्चे को ब्लेम करो और उसको ये समझो कि ये आ, इसके अंदर एबिलिटी ही नहीं है कि ये किसी और बच्चे से जाके कर इंटरेक्ट कर सके व्हाट यू नीड टू बी अंडरस्टैंड कि बेसिकली उस बच्चे को प्रॉब्लम क्या है वाई ही इज़ नॉट डूइंग दैट थिंग से अगर हम ये कहते हैं कि बच्चा इसलिए इंटरेक्ट नहीं कर रहा बिकॉज द चाइल्ड हैज़ द फीलिंग उसके पास अप्रोप्रिएट कॉस्ट्यूम uh, ही नहीं है पहन के जाने के लिए तो राधर दैन पुशिंग ऑन दैट थिंग कि यू शुड गो यू शुड गो इट इज़ बेटर टू वर्क ऑन दैट थिंग एंड हेल्प हिम टू गेट अ न्यू कॉस्ट्यूम ठीक है तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है जो प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करके उससे सॉल्व करना इम्पोर्टेंट है ठीक है देन द लास्ट पॉइंट इज़ द जो क्रिटिकल पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन होती है उसके ऊपर वर्क करना अब होता ये है कि जो पेरेंट्स हैं दे आर समाइम ओवर क्रिटिकल तो अगर बच्चा कोई भी काम कर रहा है तो वो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं अब जब वो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं तो उसकी वजह से होता क्या है उसकी वजह से ये होता है कि जो बच्चे का कॉन्फिडेंस uh, लेवल है वो लो हो जाता है उसकी सेल्फ़ इस्टीम लो हो जाती है तो रादर दैन क्रिटिसाइजिंग द चाइल्ड इम्पॉटेंट चीज़ ये है कि उसके साथ उस चीज़ को डिस्कस करें और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक उसे प्रोवाइड करें ताकि जो उसका लाइफ की तरफ पैटर्न है वो बेहतर हो सके इम्प्रूव हो सके ठीक हो गया तो आ, ये चीज़ें जो हैं ये यूजुअली फैमिली थेरेपी में यूज़ की जाती हैं इसके साथ साथ अगर आ, हम एक बात कहते हैं कि जो ब्रीफमेंट प्रोसेस अगर किसी बच्चे का स्टार्ट हो गया है क्योंकि परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर जो डेथ है आ, वो अगर कोई बच्चा बच्चे की इमीजिएट फैमिली में हुई है और वो अननेचुरल है और वो उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा और उसका ब्रीफमेंट पीरियड जो है वो काफ़ी लॉन्ग हो गया है तो वहाँ पर सर्टन टाइम जो है वो फैमिली थेरेपी इंट्रोड्यूस की जाती है वो फैमिली थेरेपी जो है वो स्पेसिफिक होती है टू तो ओवरकम द ब्रीफमेंट और वो छः से आठ सेशंस जो हैं उसके अंदर उसको कवर किया जाता है थैंक यू